दोस्तों मैं हूं अभी DPS कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में। अपने सामने खड़ी है टाटा पंच। ये रहने वाला है पंच का बेस मॉडल CNG के अंदर, यानी कि अगर आप टाटा पंच CNG में परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे सस्ती टाटा पंच जो CNG वेरिएंट आता है वो ये कार अपने सामने रहने वाली है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि पंच का जो बेस वेरियंट है CNG के अंदर ये आपको क्या कुछ फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशन रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, A to Z कंप्लीट डिटेल इस कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट पोर्शन से। तो कार का जो फ्रंट लुक है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर फीचर्स क्या कुछ ऑफर किए गए हैं उसकी अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर चेक करेंगे ट्विन आपको यहाँ पर मैनुअल वाइपर्स ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा लाइटिंग सेटअप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेलोजन बेस्ड हेडलाइट्स ऑफर करी जाती हैं और ऊपर की तरफ आपको पार्किंग बल्ब जो है वो देखने को मिल जाएगा। ग्रिल आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक इंसर्ट के साथ आपको ग्रिल प्रोवाइड करी गई है जिसमें आपको सेंटर में टाटा का लोगो है और इसी के ठीक साइड में यहाँ पे आपको अपने हॉर्न के लिए प्रॉपर कटआउट देखने को मिल जाता है। लोअर पार्ट पे आते हैं तो ये पोर्शन आपको कंप्लीट ब्लैक इंसर्ट के साथ प्रोवाइड किया जाता है। ये हो गई बात कार के फ्रंट पोर्शन से। मूव करते हैं कार के साइड व्यू में। तो यहाँ पे आप कंप्लीट कार का साइड व्यू जो है वो चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके का रहने वाला है। सबसे पहले आप चेक करेंगे यहाँ पे अपने स्टील लिम्स आते हैं इस वेरिएंट के अंदर जो कि रहने वाले हैं 15 इंच के टायर प्रोफाइल के साथ। 185/70 R15 का आपको टायर सेक्शन मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर करी गई हैं और 187mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको टाटा पंच ऑफर कर देती है। ऊपर की तरफ आते हैं आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलेंगे विद साइड टर्न इंडिकेटर्स। इन मिरर को आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड अनफोल्ड आप मैनुअली कर सकते हैं और एडजस्टमेंट भी आपको मैनुअली ही मिल जाती है, जैसे कि इस तरीके से अपना फोल्ड अनफोल्ड होगा और एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो आपको कुछ इस तरीके से वर्किंग देखने को इसके साथ मिल जाता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कार का जो अपना ए पिलर रहने वाला है ये बॉडी कलर का है। बी पिलर यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ब्लैक आउट है और सी पिलर भी आप यहाँ पर देख सकते हो ये भी ब्लैक आउट फिनिश के साथ ही देखने को मिल जाएगा। अब क्योंकि बेस वेरिएंट है दोस्तों तो यहाँ पे कोई रूफ रेल वगैरह आपको नहीं मिलती है, ना ही आप चेक करोगे पीछे की तरफ कोई स्पॉइलर वगैरह आपको दिया जाता है। रियर में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप चेक करोगे रियर में आपको एंटीना जो है अगर आप फ्यूचर में लगवाते हैं कभी तो आपको उसको प्लेस करने के लिए पीछे जगह जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। यहाँ पे आप चेक करोगे रियर में आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाएगा। रियर विंडो स्क्रीन प्लेन रहने वाली है। CNG का स्टिकर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा टाटा का लोगो है, पंच की प्रॉपर बैजिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और CNG वाली कार है तो इसमें आपको ICNG की प्रॉपर मार्किंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लोअर पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे और दो पॉइंट में पार्किंग सेंसर जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड यहाँ पे आप चेक करेंगे तो रियर में आपको रियर जो रिवर्स लाइट है उसकी प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब अंदर की तरफ चलते हैं और आपको बूट दिखाते हैं क्या कुछ रहने वाला है। तो बूट ये आप कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कुछ इतना स्पेस जो है वो मिल जाता है। 210 लीटर का बूट स्पेस टाटा पंच CNG जो है वो अपना ऑफर करती है। ट्विन सिलेंडर्स आते हैं जिसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा 210 लीटर का स्पेस जो है वो आपको मिल जाएगा। इस वेरिएंट में आपको पार्शल ट्रे नहीं मिलती, आप परचेस कर सकते हैं, पार्शल ट्रे का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। और यहाँ पे आप चेक करोगे अगर आपको बूट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगती है, बूट आपको ज़्यादा चाहिए, पैसेंजर आपके पास कम है, तो आप इस सीट को जो है वो फुल फोल्ड भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये फुल फोल्ड सीट जो है वो अपनी हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे भाइयों का ये आता है कि CNG सिलेंडर तो हमने देख लिया बट स्टेपनी टायर कहाँ चला जाता है। तो स्टेपनी टायर जो है वो आप यहाँ पर चेक करोगे उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और इसको प्लीज़ अपना एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको एक लीवर दिया जाता है जिसकी हेल्प से जो है आप इसको यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। जो नट दिया हुआ है इससे आप स्टेपनी जो है वो प्रॉपरली एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हो गई बात कम्प्लीटली आपको कार के बैक पोर्शन से। हम बात करेंगे कीज़ की दोस्तों, तो दो आपको यहाँ पे कीज़ मिल जाती हैं जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कुछ तरीके का रहने वाली है। सेम दोनों ही बेसिक सी की आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है। तो ये हो गई बात कंप्लीट। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको इंटीरियर दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ रहने वाला है। तो अब मूव करते हैं कार के इंटीरियर में। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे कंप्लीट कार का जो इंटीरियर रहने वाला है वो आपको डुअल टोन के फिनिश के साथ मिलेगा जहाँ पर ब्लैक और वाइट कलर की कॉम्बिनेशन को जो है वो यूज़ किया गया है। डोर पैनल से अगर हम फीचर्स की बात करें, सबसे पहले इनसाइड डोर हैंडल आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। बेस मॉडल है तो इसमें आपको दो पावर विंडोज़ मिलती हैं जिसके कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। पीछे आपको मैनुअल लीवर मिलेगा तो यहाँ पे आप दो पावर विंडोज़ का स्विच जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट इंसर्ट आप यहाँ पर चेक कर रहे हो, ये आपको प्लास्टिक फिनिश के साथ देखने को मिल जाएगा। नीचे की तरफ आप यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर देख सकते हैं, यहाँ पे बोतल होल्डर है, यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस की जगह मिल जाती है। अब क्योंकि ये बेस वेरिएंट रहने वाला है तो स्पीकर वगैरह नहीं आते, ना ही कोई ट्यूटर मिलता है, इसको आप लगवा सकते हैं। बाकी दोस्तों साइड एसी वेंट्स आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलेंगे, सेंटर एसी वेंट्स पियानो ब्लैक फिनिश के साथ मिलेंगे। यहाँ पे आप चेक करोगे अगर आपको एक बटन मिल जाता है, अगर आपको पेट्रोल टू CNG टू पेट्रोल मैनुअल करना है तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे कुछ इतना स्पेस रहेगा, यहाँ से आप जो है अपने बोनट को ओपन कर सकते हैं। तीनों पेडल्स हैं, कोने में डेड पेडल और यहाँ पे फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको एक लीवर जो है वो मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करेंगे, स्टीयरिंग व्हील आपको डी कट शेप के साथ देखने को मिलेगा
और इस स्टीयरिंग व्हील को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये फीचर ऑफर किया जाता है और यहाँ पे आपको एक लॉकिंग मैकेनिज्म जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग के इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो हेडलाइट कंट्रोल टॉगल्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं और यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल टॉगल्स मिल जाते हैं। दोस्तों बात करें इस कार के अंदर मिलने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं किस तरीके का रहेगा। डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर डिजिटल मिल जाएगा, इस तरफ टैकोमीटर आएगा, यहाँ पे फ्यूल कितना है सीएनजी उसकी आपको इंडिकेशन देगा, यहाँ पे फ्यूल कितना है पेट्रोल उसकी इंडिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी और बाकी इन्फॉर्मेशन लाइक क्लॉक ऑडो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी सेंटर में आते हैं तो कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, आप इसको रेट्रोफिट करा सकते हैं। सेंटर में वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है और यहाँ पे आप मैनुअल एसी हीटर कंट्रोल बटन देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप चेक करोगे कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको मिल जाएगा। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है इस वाली कार के अंदर, जो कि आप गियर लीवर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ इतना स्पेस है। पार्किंग ब्रेक लीवर क्रोम टिप के साथ रहने वाला है। ट्विन कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं। इन ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है वो आपको टिकट होल्डर के साथ दिया गया है। इनसाइड रियर व्यू मिरर नॉर्मल है, इसमें आपको डे नाइट का एडजस्टमेंट फीचर जो है वो नहीं मिलता। बाकी को ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है वो भी आपको ब्लैंक ही दिया गया है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो कुछ इतना स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा स्पेस रहने वाला है। ऊपर टेबलेट स्टोरेज की जगह है और ये अपना रहेगा बिल्कुल बेसिक सा, इसमें कूलिंग और इल्यूमिनेशन जो है वो नहीं आती। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले हम सीट्स की, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे सीट अपहोल्स्ट्री आपको फुल फैब्रिक यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, ब्लैक कलर के इंसर्ट के साथ रहेगी। दोनों ही एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सीट एडजस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आप सीट को जो है रिक्लाइन एंगल में सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक लीवर दिया गया है और फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाता है। हाइट को अप एंड डाउन करने का ऑप्शन जो है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, हालांकि सीट पहले से काफ़ी अच्छी ऊँची है तो वो दिक्कत शायद आपको ना आए अगर आपकी हाइट नॉर्मल है तो। बाकी इसके अलावा हम चलते हैं कार के सेकंड रो में और आपको बताते हैं कि सेकंड रो से क्या कुछ रहने वाला है। तो सेकंड रो में फ्रंट की तरह ही आपको 90 डिग्री ओपन डोर मिलने वाला है, वो मैं ओपन नहीं कर पाया पूरा क्योंकि यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, बट ये वाला डोर आप चेक कर सकते हैं 90 डिग्री ओपनिंग के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले आप देखोगे रियर में रियर डोर चाइल्ड लॉक का जो फीचर है वो आपको मिल जाएगा। इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक कलर के साथ है, प्लास्टिक फिनिश आता है। यहाँ पे आपको जिसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की 2 पावर विंडोज़ मिलती हैं, तो पीछे आपको मैनुअल लीवर दिया जाता है, इसकी हेल्प से जो है आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बोतल होल्डर, यूटिलिटी स्पेस और स्पीकर आप लगवा सकते हैं, स्पीकर इस मॉडल के अंदर नहीं आता है। अंदर की तरफ देखेंगे तो कुछ इस तरीके का कंप्लीट व्यू जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा और कंप्लीट फैब्रिक सीट्स जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी गई हैं। दोनों जो अपने हेडरेस्ट आएंगे दोनों ही फिक्स टाइप के रहेंगे, एडजस्ट आप इसको नहीं कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे आप चेक करोगे तो यहाँ पे कुछ इतना स्पेस दिया गया है फ़ोन वगैरह स्टोर करने के लिए और दोनों साइडों में आप देखोगे दोनों साइडों में आपको फिक्स टाइप का जो ग्रैब हैंडल है वो प्रोवाइड किया जाता है। और बाकी मैंने सीट को फोल्ड करके आपको दिखा दिया है। दोस्तों बात करें इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन और उसके स्पेसिफिकेशन की, तो आपको 1.2 लीटर का रेवरट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि एक 3 सिलेंडर इंजन है। ये इंजन सीएनजी मोड पर 73.5 पीएस की पावर और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको प्रोड्यूस करके देता है। कलर ऑप्शन की बात करेंगे, 2 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं बेस मॉडल के अंदर, जिसमें आप देखेंगे व्हाइट और ग्रे कलर का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। बात करते हैं अगर इस कार के प्राइसिंग की दोस्तों, तो बेस मॉडल सीएनजी प्योर रहने वाला है, जिसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 7,22,900 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इस कार की अदर डिटेल्स लाइक सेफ्टी फीचर्स, माइलेज वगैरह को मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।